तो दोस्तों आज आपको बताऊंगा रेडमी नोट 9S और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के बारे में। इस दोनों स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या कॉम्पोजिशन के बारे में बताऊंगा आज आपको रेडमी नोट 9S एंड रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के बारे में, कैमरा प्रोसेसर एंड प्राइस के बारे में, और डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा रेडमी नोट 9S एंड रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स स्मार्टफोन के बारे में। तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए जान लेते हैं ये दोनों स्मार्टफोन की फीचर्स क्या है, कौन सा स्मार्टफोन आगे है, कौन सा पीछे है। तो चलिए तो पहले इसका स्क्रीन साइज की बात करें तो फिर दोनों मोबाइल पर आपको 6.67 इंच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो फिर दोनों मोबाइल पर आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलेगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फिर 60 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा नोट 9S के अंदर, और नोट 9 प्रो मैक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। एंड अगर रियर कैमरा की बात करें तो फिर क्वाड कैमरा दोनों मोबाइल पर आपको देखने को मिलेगा 14 मेगापिक्सल मेन कैमरे के साथ आपको 9S के अंदर देखने को मिलेगा, एंड नॉट 9 प्रो मैक्स के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल की मेन कैमरा रियर देखने को मिलेगा। और बैटरी बैकअप की बात करें तो फिर 5020 यानी कि 5020mAh की बैटरी देखने को मिलेगा दोनों मोबाइल पर। फास्ट चार्जिंग सिस्टम दोनों मोबाइल पर आपको मिलेगा नॉट 9S के अंदर आपको 18W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, एंड नॉट 9 प्रो मैक्स के अंदर आपको 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। दोनों मोबाइल पर 2 वेरिएंट की स्मार्टफोन मिलने वाला है आपको 4GB 6GB, एंड जो कि नॉट 9 प्रो मैक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा 6GB एंड 8GB 2 वेरिएंट की स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। 5020mAh की बैटरी के साथ आपको OS देखने को मिलेगा दोनों मोबाइल पर सेम एंड्रॉइड 10 एंड रेजोल्यूशन। जनरल ब्रांड की बात करते हैं दोनों मोबाइल आपको Xiaomi ब्रांड के मिलेगा रेडमी नोट 9 एंड रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। रिलीज डेट 23 मार्च 9S एंड 12 मार्च 2020 को लॉन्च होगा रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। जो कि डेमोनिजेशन एंड फीचर्स की बात करते तो फिर आपको बैटरी कैपेसिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, फास्ट चार्जिंग अच्छा देखने को मिलेगा, कलर आपको देखने को मिलेगा एरोना ब्लू, क्लियर व्हाइट एंड एरोना ब्लू दोनों मोबाइल जो आपको सेम कलर देखने को मिलेगा। स्क्रीन साइज सेम देखने को मिलेगा, रेजोल्यूशन सेम देखने को मिलेगा, एंड प्रोटेक्शन टाइप सेम देखने को मिलेगा, पॉइंटिंग बॉडी नेकलेस एंड स्पीड रेशियो 20:9 दोनों मोबाइल जो आपको देखने को मिलेगा। हार्डवेयर की बात करें तो दोनों मोबाइल प्रोसेसर 2.3 GHz देखने को मिलेगा आपको 9S के अंदर, एंड 9 प्रो मैक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा 1.8 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर। क्लॉक स्पीड के बारे में 9S आगे एंड पीछे रह जाता है 9 प्रो मैक्स स्मार्टफोन। प्राइस की बात करें तो 9S मिलेगा आपको 13,000 के अंदर, 13,000 के शुरू होती है 9S एंड 15,000 से शुरू होती है 9 प्रो मैक्स। प्रोसेसर में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 20 RAM 4GB 6GB एंड 64GB 128GB देखने को मिलेगा। एक्सटेंडेबल स्टोरेज के साथ आपको माइक्रो स्लॉट के साथ आपको देखने को मिलेगा, एंड एक्सटेंडेबल स्टोरेज 512GB के साथ डेडिकेटेड माइक्रो स्लॉट। कैमरा रियर कैमरा 64 मेगापिक्सल के साथ 8 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा नॉट 9 प्रो मैक्स के अंदर, और 9S के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। एंड फ्रंट कैमरा 16 and 32 मेगापिक्सल के साथ आपको फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस दोनों मोबाइल पर आपको देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 10 एंड MIUI 11 दोनों मोबाइल पर आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा, कनेक्टेड टू 4G अवेलेबल। एंड तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसे लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सा मोबाइल मेरे हिसाब से तो 9S कैमरा के हिसाब से 9 प्रो मैक्स आगे है। एंड प्रोसेसर की बात करें तो फिर क्लॉक स्पीड की बात करें तो फिर स्मार्टफोन की जो स्पीड होती है वो स्पीड से 9S आगे है। तो फिर वीडियो आपको कैसे लगा लाइक एंड कमेंट करके जरूर बता दीजिए, एंड मेरा चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय।